क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर लोकेश कुमार चेस्ट फिजिशियन आर्ट्स हॉस्पिटल ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 78। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। हरियाणा में जो कोरोना वायरस है वो पूरी तरह प्रभावी हो चुका है। कल मोदी ने, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लॉकडाउन पार्ट टू की भी शुरुआत कर दी है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज लगातार अपील कर रहे हैं कि जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो मरीजों को देखना शुरू करें, जिससे कि सरकारी जो डॉक्टर्स हैं उनका लोड कुछ कम हो सके। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक तो लोगों में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है, स्पेशली डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के मन में, कि हमें कोरोना हो जाएगा। कोरोना से बहुत डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतें, मास्क लगाएं और एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहें। और मैं भी डॉक्टर से अपील करूंगा कि सारा क्लिनिक खोलें अपने और सावधानी बरतते हुए पेशेंट को देखें, क्योंकि कोरोना के हम ज़्यादा भाव दे रहे हैं, लेकिन हम दूसरी बीमारियों को देखें, जो डायबिटीज़ है, बीपी है या और भी बीमारी हैं, उसके चक्कर में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो कोरोना की वजह से तो दिक्कत कम आएगी, लेकिन अदर बीमारी जो फैल जाएंगी उनका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। देखा जा रहा है कि जब कोरोना का वायरस भारत देश में भी तबाही मचा रहा है, पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, ऐसे में हरियाणा में जो डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टर, एक तो देख नहीं रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो वो दुगनी और तिगनी फीस वसूल रहे हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखो, क्या आपके यहाँ भी फीस बढ़ा दी गई है? देखो, मानवता के नाते हम सभी डॉक्टर्स का ये फर्ज है कि इस आपदा के समय हम बिल्कुल मानवीय मूल्यों को ना भूलें, और हो सके जो गरीब लोग हैं उनसे फीस बिल्कुल ना वसूलें, और बिल्कुल जो हमसे बन सकता है, यदि हमारे पास कुछ दवाइयां भी हैं, कुछ सैंपल्स की दवाइयां होती है डॉक्टर्स के पास, उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करें। और जैसे फरीदाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वैन भी चलाई हुई है, जिसमें मैं अपील करूँगा डॉक्टर से उसमें कुछ सहयोग दे सकें, तो उसमें भी दवाइयाँ वहाँ फ्री अरेंज कराएँ, वो पूरे फरीदाबाद में घूम घूम करके जहाँ भी ज़रूरत है दवाइयाँ फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करें। देखो, अभी इंडिया स्टेज टू में है। स्टेज टू का मतलब है कि जिन व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव आया है उनका सोर्स हमें पता है, इस व्यक्ति ने किस व्यक्ति से कोरोना संक्रमण लिया है, हम उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं, वो है मोस्टली। कुछ जगह हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट का मतलब जहाँ बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ केसेस आ रहे हैं, जहाँ एक व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों को फैला दिया है, और यह लोकल ट्रांसमिशन है, यानी कि कुछ ओनली बहुत कम केसेस हैं जिनमें हमें पता नहीं कि कोरोना इस व्यक्ति में कैसे आया है। तो मेरा सुझाव यही है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, और यदि किसी को उस हॉटस्पॉट वाले एरिया में रहता है और उसको खांसी है, तेज फीवर है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, बिगड़ती जा रही है, तो तुरंत टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने की सुविधा फरीदाबाद में बीके हॉस्पिटल में है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। बीके हॉस्पिटल में डेली सुबह शाम फ्लू ओपीडी होती है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और क्या आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ, मैं भी उस फ्लू ओपीडी में जाता हूँ, शाम को 3 to 6 जाता हूँ, और ओपीडी वहाँ फुल डे है, मॉर्निंग इवनिंग, और आप कभी भी टेस्ट करा सकते हैं, और सारे एक्सपर्ट्स हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं वहाँ, चेस्ट फिजिशियन हैं, और आप टेस्ट कराने का कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और टेस्ट यदि आपको लगता है और कि क्या कहते हैं आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर से भी दिखा सकते हैं, प्राइवेट डॉक्टर यदि आपको एडवाइस करता है तभी टेस्ट होगा, या आप वहाँ पर फ्लू ओपीडी में जाकर भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, यदि उनको लगता है कि आपको टेस्ट की ज़रूरत है तो टेस्ट आपका हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और उसकी रिपोर्ट 36 to 48 hours में मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, जैसा कि देखा जा रहा है कि भारत एक घनी आबादी वाला देश है, यहाँ पर 3 zones में देश को बांट दिया गया है, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, तो आप क्या मानते हैं कब तक इसका प्रभाव रहेगा, कुछ जोन क्या फ्री हो जाएंगे या फिर क्या एहतियात बरती जानी जरूरी है इस समय? गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया हुआ है, लॉकडाउन का पर्पज क्या है, मोटिव क्या है? लॉकडाउन का मतलब है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो, अभी हम स्टेज टू में, स्टेज थ्री में ना जाए। यदि स्टेज थ्री में चला गया तब क्या होगा मैं आपको बता दूं, हर घर में से एक कोरोना का पॉजिटिव निकलेगा। और ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे सरकार ने कोई छूट दी हुई है कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स की, सब्जी मंडियों में जाने की, वहाँ लोग भीड़ लगा रहते हैं, तो लॉकडाउन का जो मोटिव है वही सॉल्व नहीं हो पाएगा। मोटिव यही है कि लोगों को एक दूसरे से ना फैलाएं, सब्जी मंडियों में यदि भीड़ लगाएंगे, अनाज मंडियों में भीड़ लगाएंगे, या हम
डिपार्टमेंटल स्टोर पर भीड़ लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे तो हम स्टेज थ्री में जा सकते हैं। यदि स्टेज थ्री में चला गया तो अगले 3 से 6 महीने हमें इसके गंभीर दुष्परिणाम भुगतने होंगे। और कोशिश यही रखनी है कि स्टेज टू में रहे इंडिया, तो अगले 2 महीने में हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जनता को क्या सुझाव देना चाहेंगे फाइनली? अब अभी मौसम भी बदल चुका है, लोग कूलर एसी का भी इस्तेमाल करने वाले हैं और कहीं ना कहीं करिए एडवाइजरी जारी की जा रही है कि इन चीज़ों से बचा जाए, तो आप आम जनता के लिए खाने पीने से लेकर इन चीज़ों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो एक तो मेरा ये कि पौष्टिक खाना खाएं, कुछ भी बिल्कुल जो भी पौष्टिक है जो हम पहले खाते थे सिंपल खाना खाएं और घर का बना हुआ खाना खाएं। दूसरी चीज़ ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलें, घर के अंदर भी हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलें। यदि कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलें, स्पेशली बच्चे और ओल्ड एज तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। और जो ओल्ड एज वाले जिनको डायबिटीज़ है, बीपी अनकंट्रोल रहता है या सांस की बीमारी है या कैंसर है, इस तरह की बीमारी है, वो तो घर से बाहर वो सबसे ज़्यादा प्रोन है। तो प्रोन का मतलब है उनमें उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जिसकी वजह से उनमें इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और घर कोई भी घर के अंदर इंटर करता है सबसे पहले सैनिटाइजर यूज करें या साबुन से हाथ धोएं तभी घर के अंदर इंटर करें। और हो सके यदि जब हम घर से बाहर आते हैं जाते हैं तो हमारे कपड़े भी कोई टच कर ले या और भी हमारे जो बैग्स हैं वो टच करें, उनको बिल्कुल अलग ही रखें तो सबसे बेस्ट रहेगा। आज एक राष्ट्रीय न्यूज़पेपर में आपका एक लेख छपा था जिसमें आपने कहा था कि जो अखबार हैं उनसे कोरोना नहीं फैलता है, तो इस विषय में हम दोबारा आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। जो इस समय बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ऐसा उस पर कोई भी एक ऐसे कोई बना देता है भ्रामक खबर फैला देता है, वो फॉरवर्ड होते होते तो लाखों करोड़ों लोगों को फैल जाती है। जबकि सच्चाई ये है कि अखबार पढ़ने से ऐसे कोई न्यूज़ नहीं, कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होता। कोरोना नहीं बोलते हम इसको, कोविड-19 बोलेंगे। कोरोना तो एक ग्रुप ऑफ वायरस की फैमिली है जिसमें पहले सार्स और मर्स नाम की बीमारी हो चुकी है, ये कोविड-19 है, न्यू वायरस है। इसका अभी इस पर रिसर्च जारी है, कुछ नहीं कह सकते कि ये कहाँ तक जाएगा 100%, क्योंकि बिल्कुल न्यू वायरस है। और इंडियन हम बहुत लकी हैं कि हमारे यहाँ डेंगू मलेरिया ये एंडेमिक है, जिसकी वजह से देखा गया है कि इंडिया में इसका जो सिविलिटी है बहुत कम है। मोर्टेलिटी रेट भी अदर कंट्री से कंपेयर किया जाए तो बहुत कम है, ओनली 2-3% है अभी तक, तो ये अच्छी बात है। और इंडियंस की हमारे यहाँ जो BCG का प्रोग्राम होता है जो बर्थ पर 1948 में शुरू किया गया और ब्रॉड लेवल पर एक 1962 में इसका हर बंदे को बर्थ के टाइम पर वैक्सीन लगाया जाता है, तो उससे काफ़ी कंट्रीज में रिसर्च चल रही है कि जो BCG जिन जिन कंट्रीज में लगता है उनमें इसका इम्पैक्ट कम देखा गया है।